गुलबर्गा में 5 साल के बच्चे को लगा बिजली का झटका। गुलबर्गा शहर में 5 साल के लड़के शेख अहमद को लगा बिजली का झटका। यह घटना गुलबर्गा के रिंग रोड पर स्थित मस्जिद नूर बुलंद परवेज नामक कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में हुआ है। गैसकॉम के लापरवाही से यह घटना हुई है। लोगों का कहना है कि बिजली के खंभे पर अत्यधिक तार लटक रहे थे। इन तारों से स्पर्श होने पर 5 साल के बालक को झटका लगा है। फिलहाल बिजली विभाग के इस लापरवाही से लोग आक्रोश में हैं और उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। फिलहाल बिजली के झटके से अस्वस्थ बालक का ASM अस्पताल के ICU में इलाज चल रहा है। आज सुबह 10 बजे के वक्त एक 5 साल के शेख अहमद नामी बच्चे छोटे से लड़के को बुलंद प्रवास कॉलोनी मस्जिद नूर अलखर फंक्शन हॉल के बाजू में करंट लग गया। करंट लगने की वजह यह है कि वहाँ पर नए पोल्स डाले हैं। जो नए पोल्स डाले हैं वहाँ पे बाजू में एक पुराना पोल भी है जैसे का वैसा, उसको जो सपोर्ट दिए हैं लोहे के तार से, वो तार पे जो नए खंभे नया जो पोल लगाए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसका सर्विस वायर पूरी तरह से जाकर उस लोहे के तारों को लगा है और वो सर्विस वायर कटने की वजह से लोहे के तीनों तारों में करंट आने की वजह से उस बच्चे को करंट लगा है। उसके बाद तमाम वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के मुकामी लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लेंट दी। अब तक कंप्लेंटर जो है कंप्लेंट लेने के बाद वहाँ ना ए आया ना डबल ए आया, कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी के जिम्मेदार वहाँ पर नहीं आए। और शेख अजीज जो बच्चे के वालिद साहब हैं बहुत गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, जब उन्हें पता चला तो वापस आकर अपने बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। हमें पता वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तमाम हम मोहल्ले के लोगों ने जाकर उस बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर ASM हॉस्पिटल आए हैं। 3 घंटे हुआ ये हादसा होकर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले जो कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। अगर उस बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? यहाँ अब तक के भी ऑफिसर्स को आना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तक भी वो लोग नहीं आए। अगर बच्चे की हालत में सुधार नहीं आता, अब तक डॉक्टर से भी हमारी बात नहीं हुई है, अगर डॉक्टर बच्चे की हालत में सुधार नहीं आता और ये KB यूनिट नंबर 7 के लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ के रहने वाले तमाम लोग एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 7 के खिलाफ एक एहतजाज मुनक़िब होगा। 10 बजे या 10:30 बजे बुलंद प्रवास कॉलोनी मस्जिद नूर के पास एक हादसा हो गया। यह हादसा इलेक्ट्रिसिटी से 4 या 5 दिन पहले एक पुराना पोल उस जगह पे मौजूद था। वो पोल के बाजू 2 फीट बाजू और एक पोल डाले हैं जसकाम वाले ने। जसकाम की लापरवाही की वजह से, जसकाम डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से उस नन्हे से बच्चे को करंट मारा है।